नमस्कार सीताराम, आप सभी का मेरे इस इम्पेशन गार्डन में स्वागत है। देखिए, ये जो मेरी हैंगिंग बास्केट बाहर वाले गार्डन में रखी थी, तो वहाँ धूप नहीं आने के कारण मैंने इन्हें अंदर आंगन में टांग लिया है। तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही हैं। सारी हैंगिंग बास्केट बाहर वाली ये अंदर टांग ली हैं और ये यहाँ पर इनको प्रॉपर धूप भी मिल रही है। तो ये कुछ इस तरीके से टंगी हुई हैं। ये देखिए, मैंने मिक्सी के जार का बनाया हुआ था एक प्लांटर, और जो भी कुछ ये पैंजी है, येलो कलर की पैंजी है और एक वाइट पैंजी है। दो पैंजी के प्लांट हैं जो जल्दी ही ब्लूम करेंगे। ये कैलन कोई रेड कलर वाला देसी वाला कैलन कोई है, डायंथस पिंक वाला, और दो कलर बाहर लगे हुए हैं। ये भी पिटूनिया है डार्क ब्लू कलर का, और ये पिंक स्टार पिटूनिया है। ये डार्क पिंक स्टार पिटूनिया, लाइट पिंक ये इम्पेशन, और ये विनका लगे हुए हैं। सब वेस्ट मटेरियल जिनका मैंने यूज किया है, और दीपावली के अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं पुताई के। और ये इस तरह मेरे इम्पेशन की हैंगिंग बास्केट टंगी हुई है। ये कटिंग जो लगाई थी चल निकली है, और ये मेरी टेंगल हार्ट की कटिंग बहुत छोटी सी जो मुझे मिली थी वो मैंने लगाई थी, तो वो भी चल निकली है। ये मेरी डेफिनबेकिया की कटिंग है जो लग चुकी है, कई कटिंग मैंने लगाई थी सभी लग गई हैं। ये पिंक पेंटास है, रेड वाला बाहर बड़े गमले में लगा हुआ है, और ये एक्जोरा है जिसमें तीन बर्ड आई हुई हैं, और ये बर्ड बन रहे तैयार हैं। ये कैलेंडुला है, एक ऑरेंज और एक येलो कैलेंडुला है। ये जीनिया, ये कैलेंडुला है, ये डॉग फ्लावर एक प्लांट लिया है मैंने डॉग फ्लावर का, इसमें पिंक कलर के डार्क पिंक मेजेंटा कलर के फ्लावर आएंगे। और ये तो क्राइसेंथेमम है, आप देख चुके हैं, ये वाइट क्राइसेंथेमम, साल्विया बीच में रखा हुआ है, कोलियस, और ये मेरा नारियल के सेल में कोकोनट सेल में लगा हुआ डेविल बैक बोन की कटिंग है जो कई सालों से लगी हुई है। अब इसको पेंट करना है क्योंकि दीपावली में इसमें चूना वगैरह लग गया है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है पेंट करने का। तो इस तरीके ये मेरा क्रोटन है, और यहीं पर ये सिंगोनियम घड़े में लगा हुआ है, ये भी एक पीछे क्रोटन रखा हुआ है। ये हमारे भगवान जी जो केले के पेड़ के नीचे हैं बैठे हुए हैं, और ये राधा कृष्ण जी का स्टेचू कांच के अंदर बंद था, तो वो कांच टूट गया तो मैंने उन्हें वहाँ रख दिया। ये बेंगलोरी क्रोटन, ये भी मटकी में लगा हुआ है। ये मेरा डेफिनबेकिया जो मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये हमारा केले का पेड़ है जिससे ढेर सारी फूटिंग हुई है, थर्ड टाइम फूटिंग हुई है, और ये इसके फ्रूट हैं, और ये इसके मेल फ्लावर के गुच्छा जो अलग कर दिया है। इस तरीके से ये हमारा गार्डन था। तो मैं अब इन सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट के साथ ही ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा कि आपको मेरे हैंगिंग बास्केट जो कि मैंने अंदर आंगन में लाकर रखी हैं कैसी लग रही हैं, और इनको अब यहाँ पर धूप भी मिल रही है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सीताराम, थैंक यू।